Hello students, my name is Divya Srivastava and I am here to teach you English in class 3. In the last video, we had completed our first chapter, the how the camel got his hump. And today we will read the next chapter, that is the man, the boy and the donkey. Ek aadmi, ek ladka aur ek gadha. To ye story teen logon ki hai aur isko hum read karenge. So pehle main isko read karungi, after that main isko aapko explain karungi. A man and his son were once going with their donkey to the market. एक आदमी उसका लड़का एक बार अपने गधे के साथ बाजार को जा रहे थे. As they were walking along by its side, जैसे वो इसके साथ साथ जा रहे थे, a countryman passed them. एक गांव के आदमी ने, countryman मतलब गांववासी, एक गांव के आदमी ने उनको पास किया, उनके बगल से गुजरा. And said, और उसने कहा, You fools, तुम बेवकूफ हो. What is a donkey for but to ride upon? तुम इस डंकी के ऊपर बैठ के इसकी सवारी क्यों नहीं करते हो? ये डंकी किस लिए है? क्या है? तुम इसकी सवारी क्यों नहीं करते हो? So the man put his son on the donkey. आदमी ने अपने बेटे को डंकी के ऊपर बैठा दिया, रख दिया. And they went on their way. और वो अपने रास्ते चल दिए. But soon, जल्द ही, they passed a group of men. जल्द ही उन्होंने एक आदमियों के समूह को पार किया, उनके पास से गुजरे. एंड वन ऑफ द मैन सेड, और उनमें से एक आदमी ने कहा, सी दैट लेजी बॉय, उस आलसी लड़के को तो देखो. वो जो लड़का डोंकी के ऊपर बैठा था, तो उसको देखते हुए उसने बोला कि लेजी मतलब आलसी, उस आलसी लड़के को तो देखो. सी सिटिंग सो कम्फर्टेबली ऑन द डोंकी, वो गधे के ऊपर कितना आराम से बैठा है, कंफर्टेबली मतलब आराम से बैठा है. व्हाइल हिज ओल्ड फादर्स इज वॉक्स, जबकि उसका जो बूढ़ा पिता है वो चल रहा है. एंड दे ऑल बिगिन लॉकिंग, और वो उन्होंने सबने हंसना शुरू कर दिया. सो द मैन ऑर्डर्ड हिज सन टू गेट ऑफ एंड गॉट ऑन टू द डोंकी हिमसेल्फ. आदमी ने अपने बेटे को उससे उतरने का आदेश दिया कि तुम गधे से उतर जाओ, और खुद वो गधे पे बैठ गया. बट दे हैड नॉट गॉन वेरी फार व्हेन दे पास्ड टू वुमेन, वो बहुत ही दूर नहीं गए थे कि उन्होंने दो औरतों को पार किया, दो औरतों के पास से भी गुजरे. वन ऑफ होम सेड टू अदर्स, एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, व्हाट अ शेम, इतनी शर्म की बात है, शेम मतलब शर्म, दैट लेजी मैन राइड्स द डोंकी व्हाइल हिज पुअर लिटिल सन ट्रच अलोंग. उस आलसी आदमी को देखो जो डोंकी पे बैठा है, और जबकि उसका छोटा बेचारा लड़का को अपने साथ वो चला रहा है. ट्रच मतलब होता है पैदल चलाना, उसको अपने साथ चला रहा है, और जबकि खुद वो गधे पे बैठा है. वेल द मैन डिड नॉट नो हाउ टू डू व्हाट टू डू, आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. बट एट लास्ट, आखिरी में, ही मेड हिज सन sit with him on the donkey and rode along together for some time. उसको जब समझ में नहीं आया तो उसने अपने बेटे को भी अपने साथ डोंकी पे, गधे पे बैठा लिया, और कुछ देर हुए एक साथ चले आगे बढ़े. By this time, इस समय तक, they had come to the town and the people in the street began to mock them. इस समय तक वे टाउन यानी कि कस्बे में, शहर तक, अपने गांव तक पहुंच गए थे, और वहाँ जो स्ट्रीट मतलब होता है गलियाँ, नैरो गलियाँ, सड़कें, तो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के जो पीपल थे वो इन पे मॉक करने लगे, यानी कि उन्होंने हंसना शुरू कर दिया. मॉक मतलब मजाक उड़ाना, हंसना शुरू कर दिया. द मैन स्टॉप्ड, आदमी रुका, एंड आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ देम, आदमी रुका और उनमें से उनके जो ग्रुप था, उनका जो समूह था, उनसे पूछा, व्हाई आर यू मॉकिंग अस, तुम मजाक क्यों बना रहे हो, तुम इतना हंस क्यों रहे हो. द मैन सेड, आदमी ने कहा, आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आती. लुक एट हाउ यू आर ओवरलोडिंग दैट पुअर डोंकी ऑफ योर्स विथ यू एंड योर हल्किंग सन, तुम्हें शर्म नहीं आती कैसे तुमने इस बेचारे गधे पे अपना और अपने हल्किंग मतलब बड़ा बड़े विशाल बड़े बच्चे का ओवरलोड, उसका बोझा डाल दिया है. उसने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुमने बेचारे डोंकी पे, गधे पे अपना और अपने बच्चे का बोझा लग दिया है. द मैन एंड हिज सन फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ, आदमी और उसके लड़के को ये सुन के बहुत शर्म आई.
they immediately got off the donkey and began to think of what to do. Immediately मतलब तुरंत, वे तुरंत डोंकी से उतर गए, गधे से उतर गए और सोचने लगे कि अब क्या करें. They thought, उन्होंने सोचा और बहुत सोचा. At last, आखिरी में the man got an idea. आदमी को एक idea आया, सुझाव आया. They went to a nearby tree. वे पास के पेड़ के पास गया and cut down a strong thin branch. Strong मतलब मजबूत, branch मतलब शाखा, thin मतलब पतला. वहाँ से उसने एक मजबूत पतली शाखा डाली को काट लिया. They tied the donkey's feet together. डोंकी के दोनों पैरों को उसने एक साथ बांध दिया and hung the poor animal on it. और उस जानवर को इस पे लटका दिया. Then they raised the long pole. फिर उन्होंने with the donkey to their shoulder. तो उन्होंने उस लंबे से पोल को, लंबी सी शाखा को उठाया डोंकी के साथ अपने कंधों पे, अपने कंधों पे डोंकी के साथ उस पोल को उन्होंने उठाया, रेस किया. तो आज हमने अगर स्टोरी यहाँ कवर कर ली है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको नोट डाउन करिए और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लर्न करिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.